रिश्ता तेरा मेरा सबसे है तेरा लाला मैं तेरा। जानवरों से इंसान की दोस्ती सदियों से चली आ रही है। इंसान और जानवरों का रिश्ता निराला है, जहां बिना भाषा के बंधन, प्यार और लगाव से दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इंसान तो एहसान फरामोश हो सकते हैं, लेकिन जानवर हरगिज नहीं। ऐसा ही नजर आता है सारस और आरिफ की दोस्ती देखकर। इन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सारस की वजह से आरिफ की वाइफ को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अमेठी के गांव मंडका के रहने वाले आरिफ अपने पापा के साथ मिलकर खेतीबाड़ी करते थे। अगस्त 2022 में वह अपने खेत पर गए थे, वहां उन्हें एक सारस पक्षी मिला। सारस दर्द से झटपटा रहा था क्योंकि उसकी एक टांग टूट गई थी। उस सारस को देखकर आरिफ के मन में दया आ गई। आरिफ को सारस का दर्द देखा न गया और वो उस सारस को उठाकर अपने घर ले आए। आरिफ ने डॉक्टर को बुलवाकर सारस का उपचार करवाना शुरू कर दिया। इस बीच उन्होंने सारस की बहुत देखभाल की। इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती का गहरा रिश्ता बन गया। सारस उनके परिवार का हिस्सा बन गया। अब आलम यह है कि आरिफ खेत पर जाए या मार्केट, पैदल जाएं या बाइक से, सारस हमेशा आरिफ के साथ ही रहता है। आरिफ सोचते थे कि जब सारस ठीक हो जाएगा तो वो अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सारस का उड़ने का मन होता है तो वो उड़ जाता है, लेकिन शाम होने से पहले अपने घर वापस आ जाता है। आरिफ के पिता, जिनका नाम लाल बहादुर खान है, उन्होंने बताया कि सारस पक्षी घर के सभी सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहता है। आरिफ अपने दोस्त सारस के साथ मिलकर वीडियो भी बनाते हैं और सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं। सारस आरिफ के साथ न सिर्फ खाना खाता है बल्कि उन्हीं के रूम में सोता भी है, जिससे आरिफ की वाइफ को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। आरिफ और सारस की दोस्ती को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है। आपको कैसी लगी इनकी दोस्ती, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।